चेहरा तेरे होशी का, पूरा दिन चित्तौरागढ़ किला में बिताया। सुदान सुदान मेरे का ये जवानी है दीवानी मूवी का एक सीन याद आ गया। आएगा आप भी? मैं आऊंगा ब्लॉग। हाँ हाय ओ नमस्कार, खुलूम भाई स्वागत है और एक नई डेली ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल मैं हूँ चित्तौरागढ़। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ दो दिन तक रुका था बिकॉज ऑफ थोड़ा मतलब रेस्ट चाहिए था। सोनू भाई इधर है अभी, ये देख सकते हो। एंड अभी जस्ट मैं आई डोंट नो ये जगह का नाम, अभी आई थिंक व्यू पॉइंट है। और ये रहा, ऐसा कुछ नज़ारा यहाँ से दिखने को मिलेगा आप लोगों को। वाओ, ये रहा हमारा झंडा। दोस्तों अभी हम लोग आ गया व्यू पॉइंट से और मेन किला की अंदर अभी एंटर करेंगे। हमने टिकट करवा लिया। टिकट प्राइस कितना था ब्रदर? 35 रुपीस पर पर्सन और पर हेड मतलब 35। चलो देखते हैं कैसा है, आप लोगों को भी दिखाएंगे अभी। और ये रहा इधर से साइड एंट्रेंस, ऐसा कुछ है। फाइनली हम लोग किला के भीतर तो आ गया, बट इसका हिस्ट्री मालूम नहीं है। बस ऐसे ही, बस बेसिकली इसके बारे में जानना है तो गाइड तो लेना पड़ेगा, बट वी डोंट हैव मच मनी, दैट्स व्हाई बस विजिट कर लिया, बस देख ही लेता हूँ, एटलीस्ट देख लेता हूँ और बाकी कुछ नहीं। बस और आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाएंगे, बस वही। और ऐसा कुछ भाई मस्त सा व्यू है, मतलब रील्स तो अच्छा खासा चलेगा यहाँ मस्त। और बाद बाकी ऐसा कुछ है, अच्छा लगा वैसे विजिट करके। और क्या बोले, है ना? वाओ मस्त लग रहा है यहाँ से, टगरा वाला व्यू। हाँ जूस पीते हैं ना, तो अभी थोड़ा बहुत गर्म, मतलब बहुत हॉट है ना, तो थोड़ा बहुत पीते हैं जूस वगैरह। तो ये लोग कहाँ से था यार, कहाँ से था? Where are you from, bro? From Sudan. Yes. Welcome to my blog, brother. ये भाई गाना करे अच्छा। वाओ, दिल मेरा तेरे होशी का नाइस ब्रदर। ओके, ये भाई टकरा वाला गाना गा के गया, ये उमान से था। अरे भाई दोस्तों, अभी हम लोग पूरा ये सा कुछ मतलब एंट्रेंस की पास में पहुंचा हुआ, और एंट्रेंस से ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। और इधर रहा आपका एंट्रेंस, है ना सोनू भाई, ये एंट्रेंस है ना। और ये देखो कोई बंदा लोग है, और भाई ये देखो ऐसा कुछ है। और मैं क्या बताऊँ, इसके बारे में नॉलेज नहीं है अभी, है ना, तो बस यही बता सकता हूँ। और फिलहाल अभी ड्रोन नो फ्लाई जोन तो नहीं है, एक्चुअली मना कर रहा है, पता नहीं क्यों क्या सीन है, नो फ्लाई जोन तो नहीं है, बट यहाँ का जो है कि लोग हैं तो वो अलाउ नहीं कर रहे, मतलब प्रॉब्लम। तो खैर सर, अभी हम बाहर से, भीतर से तो नहीं, बाहर से मतलब वो नज़ारा, ये नज़ारा अभी ड्रोन में शूट करने की सोच रहा हूँ। बाद बाकी आप लोगों को अगर मिल गया तो मेरे को ड्रोन फुटेज तो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये देख सकते हो पूरा यहाँ का लोकल बंदा, अरे पूरा टावा ही, मतलब एक से बढ़कर एक, इधर वो है मतलब खतरनाक वाला, वो डायलॉग बास लोग है इधर तगड़ा वाला, मतलब क्या ही बोले। हाय बोलो, हाउ आर यू? I am fine. And you? Good. Nice to meet you. Nice to meet you. Are. Hello. Nice to meet you. I am. Nice to meet you. Idhar.
क्या है यार यार छोटू इधर हेलो छोटू हेलो पार्टी जितो भाई की ये लाग जियो की वो एको मले ना बाबा की बात तो सिगरेट का तो भाई अरे लंड देख तो मजा कतरा मेरे बेटे पोसड़ी का बनाई कर दियो तुम लंड मागे जो ठालापंती कर दो तब हां भैया क्या बना रहे हो ब्लॉग ब्लॉग बना रहे हैं या ब्लॉग 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 में आएगा आप भी मैं आऊंगा ब्लॉग में हां हाय बोलो हाय हाय ब्रो हाय हाय गाइस वाओ इट्स लुक अमेजिंग यहां पे बना यहां पे बना कितना मजे से इन्होंने देखो क्या गार्डन सजाया हुआ है कितने अच्छे से धरोहर को रखा गया है कौन से साहब ये है मेरा सेकंड लोकेशन एक्चुअली एंड यहाँ क्या हुआ था थोड़ा बहुत आपको मालूम है तो ये महारानी पद्मिनी जी का महल हुआ करता था और कहते हैं कि रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था एक्चुअली है ना जो राजा थे वो हार गए थे उसके अंदर तो है ना रानी है ना तालाब में कूद गई थी वही तो बोल रहा हूँ उधर कैसे जाते कुछ दिखता है बहुत ही सुंदर है अच्छा लगा वैसे आके और बहुत ही मात्रा में टूरिस्ट लोग आता है ये विजिट करता है यहाँ कैसा लगा सुनो भाई हाउ इज इट इट्स गुड आई अति सुंदर अति सुंदर हाँ अच्छा ये क्या हुआ करता था पहले एनी आइडिया मेरे को तो कुछ आइडिया नहीं है फिलहाल बस आप लोगों को दिखा सकता हूँ बाकी कुछ नॉलेज वगैरह वो नहीं दे सकता मैं और इधर थोड़ा बहुत ही गंदा है यार टूरिस्ट लोग आता है और इधर प्लास्टिक वगैरह लाइक मेंटेनेंस के थोड़ा वो है इशू है मे बी बट फिलहाल क्या करें हम बस बोल ही सकते हैं बात बाकी हम कुछ बोल नहीं सकते आप लोगों को जो चीज़ मैंने देखा यार अगर इसके बारे में आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत मतलब ज्ञान चाहिए देन यू कैन रीड दिस ये आप लोग रीड कर सकते हो इजीली पोस्ट करके रीड कर सकते हो बाद बाकी मैं अभी यही छोड़ देता हूँ तो अभी लास्ट लोकेशन यहाँ से और मैं मतलब एग्जिट कर लूँगा यहाँ से इस जगह से वो क्या बोल रहा है बोलेगा इसको पता नहीं आई डोंट नो क्या नाम है उसका ना ना ये हम खाने के लिए ले लेगा इसको दस रुपया का दे नहीं है मेरे पास नहीं है मेरे पास भी नहीं था व्हाट इज दैट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन ये तो सुनो भाई बताएगा लागी जाओ लागी जाबो ए लागी जाबो लोरा साइड हो यार पर अरे सिंपल सा बस दिखाना है आपको वो नहीं करना ठीक है ये इसको रखते हैं ऐसे यस सील कर दे रिफिल या एंड चलो अरे खुद क्या ओ ऐसा है क्या हाँ या आई सी अच्छा अरे यहाँ पे गई गौमुखी है वहाँ पे तो वहाँ पे लग जाए इसलिए पत्थर नहीं मारने का हाँ अरे ये बचपन में चलाया था हमने बहुत अच्छा 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 व्हाट्स योर नेम कैसे का हमारा व्हाट्स योर नेम नाम आपका नाम भरत कहाँ से हो आप यहीं से योर कैला देवी माँ गए हो कभी व्हाट्स योर नेम क्या नाम है आपका ऋतिक अच्छा नाइस टू मीट यू भरत ये भरत है और ये ऋतिक है ना ये बहुत ही सुंदर है ये व्यू देख सकते हो बाकी इसके बारे में इधर लिखा हुआ है तो आप लोगों को थोड़ा दिखा देंगे अभी ये तो इधर लिखा हुआ है Here we go. ये देखो ये रिएक्शन होना चाहिए वाओ
बाकी इधर लिखा हुआ है ये इसके बारे में। बेसिकली मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आता, इसके कारण बस आप लोग ये देख लेना। तो आज हमने पूरा दिन चित्तौड़गढ़ किला में बिताया, मतलब जितना हो सके मेरे से मैं वीडियो बनाया, बट इनकम्प्लीट है ये। एक्चुअली डिटेलिंग में मैं नहीं बना पाया, अफसोस इस बात का है, बिकॉज तो कुछ गाइड वाइड नहीं प्रॉपर ले पाया हम, दैट्स व्हाई। बाकी अच्छा ही लगा, बहुत ही अच्छा था, घूमने लायक है ये जगह, हिस्टोरिकल। एंड अभी तो सनसेट होने वाला है, ये नज़ारा सुंदर सा व्यू, और ये रहा अपना कबूतर। मतलब एक मूवी का सीन मेरे को याद आ गया, जो ये जवानी है दीवानी का। रुको यार, इधर एक फोटो चाहिए मुझे, इधर आ जा यार। ये सनसेट जो था ना, मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था यार। मेरे का ये जवानी है दीवानी मूवी का एक सीन याद आ गया, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का। महाकसम, आई फील दैट, मतलब ये फील आ गया मेरे यार। मेरा वो मूवी एक्चुअली फेवरेट है, मैं कई बार देखा, तो कसम से यार वो ना, मेरे को इस मूवी के ना रणबीर का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है। ये सब मैंने